प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हमारा जो वैदिक गणित का सूत्र है शून्यम साम्य समुच्चय, उसके उपयोग के बारे में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में जो सूत्र है उसका जो उपयोग है वो उसके अर्थ के अनुरूप उपयोग लिया था, यानी कि एक सामान्य हमने एक उदाहरण लिया था कि जो हमारे पास ये शब्द सूत्र है उसका जो अर्थ बनता है उसके अनुरूप उसका उपयोग लिया है। अब हम आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि शून्यम साम्य समुच्चय जो सूत्र है एलजेब्रा में कितना महत्वपूर्ण सूत्र है। आप इस सूत्र के ये कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे आपके पास दो समीकरण दिए हुए हैं और इनको आपको हल करना है, ये जो दो समीकरण दिए हुए हैं इनको आपको हल करना है, आप कितने समय में इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। हल करने का मतलब इसमें जो x का मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो आपको आप इसके बारे में सोचेंगे, आपको एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट या पांच मिनट लग सकते हैं, किसी को दस मिनट भी लग सकते हैं। एक मिनट में तो सॉल्व करना आपको भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भी एक मिनट में तो संभव नहीं है, पांच से दस मिनट में आपको लगता है कि ये सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप शून्यम साम्य समुच्चय सूत्र है जो वैदिक गणित का, इसको समझ लेते हैं तो इस सूत्र के बाद इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको एक से दो सेकंड का समय लगेगा। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करने में एक से दो सेकंड का समय लगेगा। तो प्यारे बच्चों, जानते हैं कि शून्यम साम्य समुच्चय इस तरह की समस्याओं में किस तरह से प्रयोग होता है। तो यहां पे आज हम शून्यम साम्य समुच्चय का एक और महत्वपूर्ण उपयोग देख रहे हैं। जैसा कि हमने एक उपयोग हमारे पिछले वीडियो में देखा था, यहां पे हम इसका जो उपयोग दो है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे उपयोग दो है, उसमें देखते हैं क्या है कि यदि किसी समीकरण में अचरों का गुणनफल बराबर होता है तो उस समीकरण के चर का मान शून्य होता है। ये बेहद महत्वपूर्ण उपयोग है। अगर हम इंग्लिश में कहें इसको तो इसको आप कह सकते हैं, इफ इन ए इक्वेशन द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म्स आर इक्वल देन द वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो। तो जो वेरिएबल है वो जीरो के इक्वल होगा। यहां पे जो समीकरण मतलब इक्वेशन एचर, एचर का मतलब कॉन्स्टेंट जिसका मान फिक्स रहता है, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, गुना से गुणनफल बना है तो प्रोडक्ट, और चर जिसका मान बदलता रहता है यानी कि वेरिएबल। तो चर हमारे पास है, चर मतलब वेरिएबल। वेरिएबल और एचर मतलब कॉन्स्टेंट, समीकरण मतलब इक्वेशन। अब देखो इस नियम के समझ में आते ही आपके पास आंसर आ गया इसका। आप देखिए आपके पास एक समीकरण है, इसमें जो एचर है, इसमें हमारे पास जो लेफ्ट साइड में एचर है वो कितने हैं, सिक्स और फोर, 24 इनका प्रोडक्ट, इनकी मल्टीप्लाई, इनकी गुना 24 आई है। इधर है 8 और 3, इनकी जब हमने मल्टीप्लाई की तो ये भी 24 आया, तो 24 आ गया। तो यही तो कहा गया था, यदि किसी समीकरण में एचरों का गुणनफल बराबर है तो दोनों बराबर आए, तो उसमें जो चर है, जो उसमें जो वेरिएबल है उसका जो मान है वो क्या होगा,
शून्य होगा, जीरो होगा, तो x की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, जीरो आंसर। अब देखिए आप इसको सोल्व करके देखना चाहते हैं तो सोल्व करके देख सकते हैं। एक है हमारे पास x प्लस सिक्स और x प्लस फोर, यहां पे x प्लस एट और x प्लस थ्री। यहां से देखो x के साथ एक्स स्क्वायर, यहां से 4x, ये हमारे पास 6x प्लस 24, इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8x और प्लस 24, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, यहां पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, इक्वल से इक्वल है क्योंकि तो सेम साइन कैंसिल कर सकते हैं हम, 24 इसके साथ, तो 10x इज इक्वल टू 11x, या फिर हम कहें 11x दैट इज इक्वल टू 10x, 11x माइनस 10x दैट इज जीरो, इसको इधर ले आए और x इज इक्वल टू जीरो। अब देखो हम एलजेब्रा में इतने सारे स्टेप के बाद बता सकते हैं कि जो इसका आंसर है वो क्या आएगा, जीरो, और इसमें आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, आपके तीन मिनट से लेके तीन चार मिनट से लेके पांच मिनट तक आपके बड़े आराम से इसमें लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी 24, इसकी मल्टीप्लाइड भी 24, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब इसी तरह से सेकंड को हम सोल्व करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे माइनस थ्री है और यहाँ पे फोर है, माइनस थ्री की और फोर की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेल्व बनेगा, इधर पे माइनस टू है और इधर सिक्स है, माइनस टू की और सिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेल्व बनेगा, इक्वल आ जाएंगे। तो अगर प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट्स का, एचर का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है तो जिसमें जो चर है उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि एक से दो सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं। इस तरह की जब भी आपके पास सिचुएशन आ जाती है तो आप देख लेंगे कि शून्यम साम्य समुच्चय नियम के अनुसार इसमें जो वेरिएबल है, जो चर है, उसका जो मान है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि वैदिक गणित के जो सूत्र हैं उनकी सहायता से आपकी जो कैलकुलेशन है 10 15 से 20 गुना तक फास्ट हो जाती है। तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, शुरू में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, ये जो शब्द सूत्र है संस्कृत में होने की वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जैसे मुझे अब बाद में मजा आने लग गया तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बहुत इसमें मजा आने लग जाएगा, और गणित पढ़ने वाले प्रत्येक स्टूडेंट के लिए ये जो सूत्र है वो बेहद महत्वपूर्ण है, उनको आने चाहिए, ये उनकी फास्ट कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स वर्क को जल्दी करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता करेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। प्यारे बच्चों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।